इस बार जी इफेक्टिव क्या होगा? और दोनों आपस में 90 डिग्री में है तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, बस दैट्स इट, यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखो तो रूट टू जी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो नॉर्मल है, रूटीन है। इसमें दिक्कत है, इक्वल टू जी हो जाएगा तो ये जीरो वाला एक चक्कर पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम। और अगर ग्रेटर होगा तो इन दैट केस डिपेंड करता है बाल्टी का साइज। अगर बाल्टी ऐसे ऊपर की तरफ माउथ है तब तो पानी अलग हो जाएगा, बाल्टी अलग से आ जाएगी। और अगर उल्टा रखोगे तो दैट केस जबरदस्ती पानी को नीचे ले आएगा, तब जी इफेक्टिव का कहानी आता है, शुद्ध कार्य। और वीडी क्या हो जाएगा? नॉर्मली वीडी होता है लिक्विड लेवल के नीचे वाला हिस्सा, पर यहाँ तो नीचे वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्योंकि लिक्विड है ही नीचे की तरफ, लिक्विड है ऊपर की तरफ। तो वीडी बोलते ये वाला क्वेश्चन होगा, हाँ मतलब वही पानी के अंदर का हिस्सा, दैट्स बेटर। पानी के अंदर तो है, वो तो देखो जो होगा वो उसके ऊपर बोयन फोर्स, वो तो मैं पकड़ के भी तो रख सकता हूँ वहां पे। हाँ ये लगा दो और वो ले घोटर ले वो दिखा दो, वो चाहिए नीचे। हाँ ये सही है, तो उसको सर पे लगा दे, ये लगा दे, ये बना दो। अच्छा चलो ठीक है छोड़ो, ये हो गया बोयन फोर्स के ऊपर। फॉर अ फुल्ली सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोटेशन का क्या क्राइटेरिया था? फॉर अ फुल्ली सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोटेशन का क्या क्राइटेरिया था? फुल्ली सॉलिड ऑब्जेक्ट का फ्लोटेशन का क्या क्राइटेरिया था? यानी सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से कम होना चाहिए, ये फ्लोटेशन का इक्वल टू में इक्वल टू में भी मान सकते हो, लेकिन इक्वल टू में होगा क्या कि कोई भी हिस्सा ऊपर नहीं रहेगा, बिल्कुल पानी के लेवल पर रहेगा। लेकिन उसमें एक और कैच भी है, इक्वल टू वाले में हो सकता है कि अंदर भी हो, इसलिए इक्वल टू वाला एक्सेप्ट किया जाए नहीं किया जाए डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। नहीं ऊपर नहीं आ सकता, इक्वल टू वाले में ये सिचुएशन हो सकता है, ये हो सकता है, इक्वल टू वाले में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा। अगर ओएस और ओएल इक्वल है और अगर सॉलिड है, हॉलो नहीं है, हॉलो है तब तो कुछ भी हो सकता है, वन बाय वन हो सकता। तो अगर सॉलिड का डेंसिटी इक्वल टू लिक्विड है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, और अंदर तो खैर कहीं भी रख लो वहीं रहेगा, ठीक है। चलो ओके, जैसे तुम लोग सरप्राइज हो जाओ जान के जैक टाइटैनिक के कुछ रिसर्च, हाँ एक मिनट यश, टाइटैनिक के कुछ टुकड़े जो है, हाँ टाइटैनिक के कुछ टुकड़े जो है समुद्र के बेड पे नहीं मिला था, बीच में मिला था। नहीं मतलब बीच में कैसे, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नहीं हॉलो की बात नहीं है। जैसे वुड, जैसे वुड अगर देखोगे ना तो वुड का डेंसिटी ना अलग अलग होता है, कुछ ऐसे वुड्स भी है जिसके डेंसिटी हल्का सा पानी से ज्यादा है, तो उनको अगर पानी में डाल दोगे ना देखना धीरे 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 सिंक कर जाएगा। कुछ वुड का देखना हल्का सा पानी से कम होता है तो उनको पटक कभी फेंक दोगे ना नीचे चला जाएगा, पर देखना दोबारा ऊपर आ जाएगा। अब कईयों का देखना लगभग एग्जैक्टली इक्वल टू वाटर, अब एग्जैक्टली इक्वल टू वाटर में क्या होगा ना, तुम जहां रखोगे वहीं रह जाएगा। वन तो नहीं है, समुद्र का पानी वन नहीं होता है, 1.05 या कुछ ऐसे होता है। तो यानी वो जो बोट यूज किया होगा उसमें सारे टुकड़े थोड़ी, कुछ टुकड़े जो बड़े थे उनका डेंसिटी भी 1.05 रहा होगा। अच्छा 1.05 का डेंसिटी का खासियत समझो कि समुद्र के ऊपर वाले लेवल पे डेंसिटी हल्का सा कम होता है, वहां पे प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक, और जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाओगे ना तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है हल्का सा दब जाता है लिक्विड, तो हल्का सा डेंसिटी बढ़ता है। तो इसलिए क्या होगा, ऊपर वाले लेयर पे वही सॉलिड सिंक कर गया होगा क्योंकि उसका डेंसिटी मोर देन द लिक्विड है वहां, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो लिक्विड का डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ता है और मान लो उसी सॉलिड के बराबर हो गया, अब वो सॉलिड उसी लेवल पे रहेगा, अब नीचे नहीं जाएगा। तो यही हुआ था, तो टाइटैनिक के कुछ टुकड़े बाद में सरप्राइजिंगली समुद्र के नीचे नहीं मिला था, बीच में मिला, ठीक है ना। पर चलो ये दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट है। अच्छा फ्लोटेशन के ऊपर, फ्लोटेशन के ऊपर मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं,
जेई एडवांस में ना कई बार ना बड़े चुन चुन के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट को टेस्ट करने वाले, और जबकि जरूरी नहीं कि हमेशा टफ ही आता। जैसे ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बट पूछने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कशन करूँ। ये क्वेश्चन आया था, अब ऑब्वियसली डेटा तो मुझे याद नहीं, बट थीम याद है तो मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। जरा सोचो एक बार, ये सॉलिड है, ये लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब सॉलिड का डेंसिटी फुल सॉलिड है, कोई हॉलो नहीं, इसका मतलब सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से कम है, हो गया ना। अब ध्यान से सुनो, ये फ्लोट कैसे कर रहा है ना, फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके यहां पे जो बोयंट फोर्स है, और साइड वाला तो बराबर होता है, साइड वाला तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, याद है ना फिगर, साइड से कैंसिल। अच्छा, इस बार ऊपर से कोई फोर्स है नहीं, मतलब ऊपर से मतलब बोयंट फोर्स, मतलब वाटर के वजह से फोर्स, ये तो छोड़ दो। अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ध्यान से सोच के आंसर देना। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे कुछ लिक्विड डाल देता हूं, और इस लिक्विड का डेंसिटी सपोज नीचे वाले लिक्विड से कम है, ठीक है, इस लिक्विड का डेंसिटी, इस लिक्विड से कम है। अच्छा चलो मैं एग्जांपल दे दूं, सुनो, सपोज यहां पानी को पेट्रोल, जैसे सपोज इसका डेंसिटी 7 है, इसका मान लो 5 है, इसका मान लो 2 है या 3 है, मान सर ऊपर मूव करेगा है ना। अभी रुक जाओ, अब इसका डिस्कशन जो मेरा पॉइंट इज है कि अब लिक्विड ऊपर से आ गया, तो ये जो लिक्विड है ये तो अच्छा पहले ऊपर से कोई कुछ नहीं था, वो एटमॉस्फेयर था, उसको छोड़ दो, वो तो अभी भी एटमॉस्फेयर प्रेशर आया। अब ये लिक्विड ऊपर से प्रेशर देगा, अभी बताओ ये जो सॉलिड है, सेकेंड वाले लिक्विड डालने के बाद ये सॉलिड वहीं का वहीं रहेगा, थोड़ा अंदर चला जाएगा या थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा ऊपर, और nobody is of the view की वही रहेगा, वही रहना। चलो तीनों व्यूज आ गए, ये तीन हो सकता है, ठीक है। अब तीनों के अपने अपने आंसर बताओ, तुम बता देते हो ऊपर जाएगा क्यों सर, क्योंकि उसकी डेंसिटी ऊपर वाली कम है, थोड़ा ऊपर जाएगा, अरे दोनों से इक्वल है भाई। अब मैं एक लॉजिक लगा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, मैं नहीं कह रहा कि मेरे लॉजिक को सुन के विश्वास कर लो या उसी से क्या बोलते जजमेंटल हो जाओ, बट मैं लॉजिक ये बता रहा हूँ इस दैट कि चलो ये जो फोर्स है वो तो चलो ठीक है, ऊपर से पहले फोर्स तो था नहीं, और ये लिक्विड उसके ऊपर आ चुका है, यानी फोर्स तो देगा कुछ ना कुछ, यानी लिक्विड के दबाने का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो देयरफॉर दिस सॉलिड शुड गो स्लाइटली डाउन। मेरा लॉजिक गलत है सही, मैं खुद ही नहीं कह रहा कुछ भी, अब तुम इसको विश्वास करोगे नहीं करोगे वो तुमको देखना। हाँ जी बेटे, अच्छा तुम कह रहे हो कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इधर उधर करके अल्टीमेट वही आ जाएगा, यानी सेम प्लेस। ओके ठीक है, सेम प्लेस तो एक और आंसर आया था, तुम कह रहे हो कि क्या पहले क्या था, मैं कह रहा था ऊपर जाएगा, अब सेम ऊपर ही जाएगा। अच्छा ऊपर क्यों जाएगा सर, वो साइड से प्रेशर उस पर बढ़ जाएगा, साइड वाले का तो नहीं होगा, साइड में सर आपका जो उसमें नीचे बॉन्ड फोर्स बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा क्योंकि उसका रोज आता है नीचे लेकर नहीं, वो वजह नहीं, देखो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस बोल रहे हो ये मैं समझ रहा हूँ, वॉल्यूम सब मच बढ़ गया आई एक्सेल, पर ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ इसमें क्या गलत करता हूँ कि भाई ऊपर की तरफ से कोई फोर्स पहले नहीं था, और ये जो लिक्विड है अभी ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, लिक्विड का चेंज नहीं होगा, लिक्विड का डेंसिटी क्यों चेंज होगा, जब कई किलोमीटर का लिक्विड होता है, मीटर में तो कोई चेंज ही नहीं होता, वो तो भूल ही जाओ, और कोई लॉजिक जल्दी बताओ, प्रेशर डेट हो रहा है सर, वो जितना भी नीचे देगा वो नीचे से मतलब बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो ऊपर बैलेंस वाला पॉइंट एमजी का, एमजी तो बैलेंस क्या है ना, पहले भी बैलेंस था, अब वो जो ऊपर की तरफ से एक एक्स्ट्रा फोर्स आया इसके कारण कईयों का ओपिनियन हुआ कि नीचे चला जाना चाहिए। हाँ जी, अब लास्ट बता दो जल्दी, तुम क्या बता रहे हो, अब सुनो इसका आंसर, सुनो हल्का सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, अब समझो क्यों, क्योंकि हाँ देखो ये जो मैंने लॉजिक बताया ना, इस लॉजिक में कोई गलती नहीं था, ये जो मैंने लॉजिक बताया ना कि ऊपर से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स आ गया पहले था नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रुको 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 रुको, नीचे वाले पे और ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स आएगा,
अब बताओ क्यों, क्योंकि क्योंकि यहां पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा ना जो पहले नहीं था अब क्रिएट हुआ वो इतने हाइट के लिक्विड के वैसे होगा, डेप्थ ऑफ द लिक्विड सॉरी नॉट हाइट, लेकिन 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 यहां पे भी तो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है क्यों, क्योंकि पहले प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इतना सा था अब तो ये वाला भी हिस्सा आ गया ना, यानी पहले यहां पे कोई एरो था नहीं, मैंने एरो इंट्रोड्यूस किया डाउनवर्ड्स तो एक नीचे की तरफ धक्का लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स है एग्री, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स यहां से क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे जो एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट होगा वो इस हिस्से के लिक्विड के वैसे होगा, क्योंकि ये लिक्विड भी तो यहां प्रेशर डाल रहा है ना, और पास्कल लॉ क्या कहता है, टैंक में प्रेशर डालो तो चारों तरफ ट्रांसमिट हो जाता है, देयरफॉर यहां का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, यहां का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो यहां पे और एड होगा ऐसे करके, अब बताओ वहां पे इतना सा फोर्स क्रिएट हुआ इतने प्रेशर के वैसे, और नीचे से इतना एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि यहां का डेप्थ ज्यादा है ये देखो, तो देयरफॉर ऑन द होल क्या होगा, ये सॉलिड थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अब समझा नहीं समझा, देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि यहां पे फोर्स क्रिएट होगा, होगा कितने प्रेशर के वैसे, इतने लिक्विड के प्रेशर के वैसे, तो ये फोर्स पहले था नहीं, तो मैं एक कह सकता हूं कि डाउनवर्ड से एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ है, किस वजह से ना इतने डेप्थ ऑफ लिक्विड की वजह से हो गया, और नीचे से एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा वो इसके वजह से, अब बताओ कौन सा वाला प्रेशर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, यानी नीचे से जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ वो ज्यादा होगा, ऊपर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ वो कम होगा, इसलिए इसके ऊपर पहले से ही फोर्स था जिसकी वजह से वेट बैलेंस था, अब क्या हो गया फोर्स और बढ़ गया जिसकी वजह से क्या होगा हल्का सा ही ऊपर चल गया, यानी अब एक काम करो, अब एक काम करो इस इसका हाइट ना 10 सेंटीमीटर ले लो, और ये बताओ कि जब रो एल इक्वल टू 3 नॉट प्रेजेंट है तब कितना डेप्थ नीचे था, ठीक है ना, इसको एच इज इक्वल टू 10 लिख देता हूं, ये पूरे सॉलिड का हाइट मान लो 10, तो पहले कितना था वो कैलकुलेट करो, जब रो एल इज इक्वल टू 3 प्रेजेंट है तब एच का वैल्यू कैलकुलेट करो, अच्छा पहला वाला तो आसान है, पहला वाला तो आसान है, जब ऊपर वाला लिक्विड है ही नहीं उस समय क्या डेप्थ ऑफ वो था वो कैलकुलेट करना है, कुछ आकर तुम्हारे डेप्थ कैलकुलेट हो गए, हाँ अब एक काम करो तुम पहले तो बैग में रखो, और नहीं तो तुम्हारा जगह बदलना पड़ेगा, अभी बैठो सर, आपने लिखा लिया डिग्री का 7.5 तक क्या लिखी है, लिखा है ग्रेविटेशन लिखा है, लिखा है 7.5 तक डीसीसी कर रहे हैं, हां तो मतलब जल्दी देखो, अबे रुक जा पहले इसको खत्म करने दो, अच्छा देखो इस वाले में क्या है कि ऊपर कुछ है ही नहीं, यानी जितना डेप्थ पानी के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर वही अकेला बॉयड फोर्स दे रहा है, इसलिए क्या होगा ना एच एच मतलब एच पता नहीं कितना इंटू रो एल, रो एल मतलब 7 इंटू जी इज इक्वल टू क्या सॉरी ये तो क्या बोलता है प्रेशर हो गया इनटू एरिया, ये हो गया वोइड फोर्स, वोइड फोर्स समझ में आ रहा है, 10 सेंटीमीटर क्या दिया हमारा ये हाइट ऑफ द बॉडी है, तो पूछा जा रहा है कि कितना लिक्विड के अंदर होगा 7 वाले लिक्विड के अंदर, तो लेट अस से एच हाइट तक लिक्विड के अंदर है, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या होगा एच इनटू ए इनटू रो एल क्या है 7 इनटू जी ये क्या आ रहा है वोइड फोर्स, और इसका वेट क्या हो जाएगा 10 इंटू ए ये इसका वेट हो गया सर इसका वॉल्यूम इंटू रो एस कितना 5 इंटू जी, अब बताओ ए तो कैंसिल होगा ऑब्वियसली जी जी कैंसिल हो गया तो एच कितना आ गया 50/7 सेंटीमीटर 50/7 सेंटीमीटर, अब ठीक है ओके, अब एक काम करो जब जब ये वाला लिक्विड भी डल गया तो इस लिक्विड के भी कुछ बॉयड फोर्स क्रिएट होगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम तो इस लिक्विड का भी आया और इस लिक्विड का भी आया, यानी अब क्या होगा ना उसका जो वेट है वो कौन संभालेगा ना डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द अपर लिक्विड के वजह से बॉयड फोर्स और डिस्प्लेस वॉल्यूम लोअर वाले लिक्विड की वजह से बॉयड फोर्स, हाँ एफ बी यानी बॉयड फोर्स इज इक्वल टू वेट, अब बॉयड फोर्स कैसे कैलकुलेशन कैसे होगा, यानी अब दो मिलके होगा तो नीचे वाले हिस्से का कितना होगा ना फॉर्मूला तो यही होगा ए इंटू एच इंटू रो एल इंटू जी, यू मैट से अभी भी फिर से एच लिख दिया
फिर से एच तो लिखा है लेकिन इस बार एच का वैल्यू अलग आएगा, उसके जैसे नहीं आएगा। हाँ इस बार क्या होगा ना, एक्स्ट्रा पॉइंट फोर्स भी होगा इस लिक्विड की वजह से। वो कितना होगा उसका एक्सप्रेशन लिखो जरा फटाफट, नहीं ऐसे बोलने की जरूरत है, पहले लिखो फिर मैं लिखूंगा फिर कंपेयर करो। इस वाले लिक्विड की वजह से पॉइंट फोर्स, यानी इस बार इस लिक्विड का डिस्प्लेस वॉल्यूम के हिसाब से होगा। अब वो कितना होगा, नहीं लिखो लिखो, बोलने की जरूरत नहीं, फिर सबको हिंट मिल जाता है, जरूरत नहीं है, खुद लिखो। यस तुम भी लिखो, इस वाले लिक्विड का पॉइंट फोर्स जो वेट ऑफ द सॉलिड होगा वही एरिया होगा, इनटू हाइट ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू जी वेट ऑफ द सॉलिड। वेट ऑफ द सॉलिड क्या होगा, एरिया ऑफ द सॉलिड इनटू हाइट इनटू रो एस इनटू जी। हाइट एट आ रहा है, नहीं एच का वैल्यू देखो सेवन से तो कम आया, क्योंकि 50/7 मतलब होता है 7.2 के आसपास, 7.3 के आसपास, नहीं 7.1 के आसपास, 7.15 के आसपास, तो यानी इसका आंसर 7.15 से कम आया। अब देखो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड लिक्विड है वो कितना होगा, 10-H भाई, सेकंड वाले लिक्विड का 10-H, तो प्लस 10-H इंटू ए होगा, 10-H इंटू ए और इंटू 3 इंटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड, तो नहीं चेंज हो रहा, तो वेट ऑफ द सॉलिड क्या है 10 × a × 5 × g, पूरा लिख लो चलो कोई बात नहीं, 10 × 5 × a × g। अब देखो ए जी ए जी ए जी तो हट गया, यानी क्या हो गया 7H प्लस 30 −3H इज इक्वल टू क्या है 50 हो गया, तो 4H कितना आ गया 20, तो H कितना आ गया, मैंने बोला था H का अभी भी वही है, H का टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं हो पर वैल्यू अलग आना था, और हमने ये तो प्रिडिक्ट कर ही दिया था, लॉजिकली कर दिया था, इस बार कम आएगा, नीचे वाले लिक्विड में जो हिस्सा होगा वो कम हो जाएगा, और उसका कैलकुलेशन चेक करो। यानी ऊपर वाले लिक्विड का ऊपर की तरफ से जो फोर्स आएगा वो इतने डेप्थ के प्रेशर की वजह से आएगा, और उसी का नीचे वाले पे जो ऊपर की तरफ फोर्स होगा वो इस डेप्थ पे हो रहा है, यानी उसके जो फोर्स का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो नीचे से ज्यादा हो रहा है, तो देखो नीचे वाला फोर्स ओवरऑल ज्यादा क्रिएट हो रहा है, यानी पहले का जो फोर्स था वो अभी भी रहेगा पर नीचे वाला एक्स्ट्रा हुआ, जिसके चक्कर में उस पे ज्यादा प्रेशर लगा और वहां पे कम प्रेशर लगा। हाँ जी सर, इसमें वाटर फोर्स ऐड नहीं करेंगे जो उस लिक्विड में जैसे नीचे एक्स्ट्रा आएगा। देखो या तो इसको इस तरह से करो कि उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मेजर करो, उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मेजर करो और फिर डिफरेंस मेजर करो, यानी इज इट दैट हाइट डिफरेंस ऑफ दिस, तो इसी का डिस्प्लेस वॉल्यूम से कर दो ना भाई, पॉइंट फोर्स भी इसी तरह से कैलकुलेट किया था ना कि यहाँ पे प्रेशर बताओ कितना है, यहाँ पे प्रेशर बताओ कितना है, डिफरेंस क्या होगा उसके वॉल्यूम के वजह से हुआ था, तो यहाँ पे भी तो ये हो रहा ना, यहाँ पे प्रेशर ऐसे है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर, यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो यहाँ के वैसे हो रहा है, यानी डिफरेंस भी इसी वैसे हो रहा है, तो उस पोर्शन के डिस्प्लेस वॉल्यूम से कर लो, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडिया, ये समझ आया कुशांत? अरे तुमसे पूछ रहा समझ में आया नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों बात कर, अगर ये अच्छा तो ये 10 में सर, इसका डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या होगा 10-H इनटू ए, तो ऊपर वाला और नीचे वाला इन दोनों का डिफरेंस इस वॉल्यूम में कैप्चर हो रहा है, और एक्चुअली याद करके देखो पॉइंट फोर भी इसी तरह से कैलकुलेट किया था, लिक्विड के अंदर डाल दिए, यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट किया, यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट किया, तो इस वाले पोर्शन के वैसे आया था, तो वही चीज आप समझ लो इस वाले पोर्शन के वैसे आ रहा है, ये जो सजेशन आ रहा है ना, सब लोग सजेशन सही दे रहे हो, सब लोग सही सजेशन दे रहे हो कि एक काम करो आप ऊपर वाले और नीचे वाले का डिफरेंस निकालो, मैं भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन ये चीज अगर मान लो हम दोबारा दोबारा करेंगे देन वी आर लिविंग द सेम थिंग, यही तो हमने बॉयड फोर्स के कैलकुलेशन में भी किए थे, हमने बॉयड फोर्स का जो डिस्प्लेस वॉल्यूम का कैलकुलेशन किया था वो कैसे आया था कि ये लो जी यहां से भी कुछ प्रेशर आएगा, यहां से भी कुछ प्रेशर आएगा, है ना, यहां से कुछ प्रेशर आएगा, यहां से भी कुछ प्रेशर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो,
फिर हमने वही फोर्स कैलकुलेट किया था, वही कैलकुलेशन तो डिस्क्रीट वॉल्यूम में कैप्चर हुआ था ना। तो मैं कह रहा हूँ दोबारा दोबारा एक ही चीज हम क्यों करें, है ना, दोबारा दोबारा हम क्यों करें, क्यों ना हम इसको डिस्प्लेस वॉल्यूम में कैप्चर कर ले। तो एक इसका डिस्प्लेस वॉल्यूम, एक इसका डिस्प्लेस वॉल्यूम, उसके वजह से वेट वेटी रोयल जी। देखो बार बार वही लॉजिक बता रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ ऊपर से भी आएगा नीचे से भी एक्स्ट्रा आएगा, इसके डिफरेंस हमने कैसे निकाला था डिस्प्लेस वॉल्यूम से, तो वही तो यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा आ रहा है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा फिर इस डिस्प्लेस वॉल्यूम से। तो वही डिस्प्लेस वॉल्यूम वाला सेकंड वाला टर्म या तो इसको दोबारा दोबारा कैलकुलेट करो ऊपर नीचे डिफरेंस करके देखना ये वाला टर्म है, वो करके देख सकते हो बट जरूरत नहीं। ये बता दो मैं एक क्यों एक काम क्यों ना करते हो, इज दैट चलो तो एक काम करो एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगा। इस बार रो एल है 6 और रो एस है 2, ठीक है, और ये जो है मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या किया 2 सेंटीमीटर एक दूसरा लिक्विड लगा दिया, सिर्फ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूसरा लिक्विड लगाते हैं, ये अलग लिक्विड, और उसका जो डेंसिटी है रो एल डैश, ये रो एल हो गया रो एल डैश, दैट इज सपोज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट जब ये रो एल डैश वाला 1 नॉट प्रेजेंट है तो हाइट क्या होगा, जब रो एल डैश इज इक्वल टू 1 प्रेजेंट तो क्या हाइट होगा। ये बताना मुश्किल है, तभी तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है कि थोड़ा चेक भी करना पड़ेगा, पता चला सॉल्व करना शुरू करो, नहीं तो इस बार ऊपर से लिक्विड है ही नहीं। हाँ, बीच में आ रहा है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करो। मैं बार बार तो ये एम्फसाइज कर रहा हूँ ना कि वो जो अलग से आता ना ऊपर से अलग नीचे से अलग, उसका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है ना, वही कैलकुलेट होता है डिस्प्लेस वॉल्यूम में कैप्चर होता है। सर इसमें तो ऊपर ही जाएगा सर, इसमें तो चलो लॉजिकली भी ऊपर ही जाएगा सर, क्यों, क्योंकि अब यहीं पे प्रेशर है, यहां का बढ़ रहा है, वहां तो कुछ है ही एक्स्ट्रा, पर कितना कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। चलो कैलकुलेट करो, पहले तो बिना लिक्विड के कैलकुलेट करो ऊपर वाला, यस तो बताओ जरा इसके कैलकुलेशन, जब लिक्विड नहीं प्रेजेंट है तो वेट के बारे में बॉयंट फोर्स के बारे में बताओ जरा, बॉयंट फोर्स इनिशियली क्या होगा, इसका एच मान रहा हूं एक सेकंड, एच इनटू 6 अच्छा मैंने ऐसे पूछा, एच इनटू ए तो हो गया डिस्प्लेस वॉल्यूम, इनटू लिक्विड डेंसिटी तो क्या लिखो 6 इनटू जी, ये हो गया बॉयंट फोर्स, कैसे डिस्प्लेस वॉल्यूम, डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना एच इनटू ए इनटू लिक्विड डेंसिटी 6 इनटू जी, ये हो गया बॉयंट फोर्स, और वेट कितना होगा 20 इंटू 2 इंटू ए इंटू जी, ए और जी तो चलो हटना ही है वो तो चलो ठीक है, एच आ गया, एच कितना आ गया 20 इंटू 2 बाई 6 यानी 20/3 यानी 6 प्लस 6.67 तो 6 प्लस। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 6 प्लस, देखो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने लिक्विड रखा ना यहाँ पे वो बहुत कम है, अगर ज्यादा रखते हैं ना तो पता चला ऊपर से भी लिक्विड आता, बट वो मुश्किल है, क्यों, क्योंकि देखो सिर्फ 2 सेंटीमीटर का लिक्विड रखा है, जबकि h क्या है 6 तो 7 मान लो, चलो अगर ये 7 है तो 13 सेंटीमीटर बाहर है, काफी ज्यादा बाहर है, तुमने सिर्फ 2 सेंटीमीटर लिक्विड तो डाला, यानी ऐसे भी तो एक चांस था ना कि ऊपर से आ जाए लिक्विड, बट वो कोई चांस नहीं, वो कोई चांस नहीं। सी तो आपने अपने ड्राइंग में तो बता दिया, अरे ड्राइंग तो मैंने ड्रॉ करके दिया, क्वेश्चन में तो ही ड्राइंग रहेगा, क्वेश्चन में कैसे रहेगा बताता हूं, अ सॉलिड ऑफ सो एंड सो डेंसिटी हाइट दिस मच इज फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड, अ लिक्विड इज पोर्ड फ्रॉम द अबव ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, बस ये रहेगा, फिगर दे दिया रहेगा, यानी तुम पहले फिगर बनाना, लेकिन साथ में इस बात को ध्यान में रखते हो कि हो सकता है मेरा फिगर गलत है, हो सकता है मेरा फिगर वो वाला होगा जो कि इसके पहले ड्रॉ किया था, यानी हो सकता है कि यहां लिक्विड होगा,
ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना और कुछ नहीं। जैसे इस केस में तो कोई चांस ही नहीं, 13 सेंटीमीटर ऊपर है और 2 सेंटीमीटर तो लिक्विड डालो। हाँ, अगर तुमने लिक्विड डाला होता मान लो 14 सेंटीमीटर, तब थोड़ा सा नहीं, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है। क्योंकि देखो ये सॉलिड ऊपर उठने वाला, ये सॉलिड ऊपर उठने वाला और तुमने 14 सेंटीमीटर दिया, तो अगर सॉलिड 1 सेंटीमीटर के ऊपर उठ जाए बराबर, या एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर उठेगा तो बराबर ही पाया जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर से ऊपर आ जाएगा तब तो ये फिगर होगा, और अगर 1 सेंटीमीटर से कम ऊपर जाएगा तो इसके पिछले क्वेश्चन का फिगर बन जाएगा। एक बार दोबारा सुन लो, एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन है, अभी कोई क्वेश्चन है, पहले पूरा एक बार दोबारा लॉजिक सुनो। मैं ही कह रहा हूं कि लेटेस्ट से ऊपर है 13 सेंटीमीटर, ध्यान से नंबर सुनना क्योंकि नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। सपोज ऊपर है 13 सेंटीमीटर, जैसे एक्चुअली 6.7 है तो मान लो ये 7 है, भाई कोई ना कोई नंबर में 7 होगा, तो 13 सेंटीमीटर ऊपर है। अच्छा, अगर तुम 13 सेंटीमीटर का लिक्विड डालोगे तब तो ये वाला फिगर होगा, क्यों? क्योंकि तुमने तो डाला कितना ना, उतना ही जितना सॉलिड है, लेकिन सॉलिड तो थोड़ा ऊपर भी उठेगा, तो यानी लिक्विड इसी तरीके से रहेगा जैसे मैंने ड्रॉ किया। अभी फिलहाल ये 2 सेंटीमीटर बोल दो, 13 सेंटीमीटर बताया ना, पर अगर मान लो तुमने 14 सेंटीमीटर लिक्विड डाला तो क्वेश्चन का चैलेंज समझो, क्योंकि 14 सेंटीमीटर तुमने लिक्विड डाला तो है तो इसके ज्यादा, क्योंकि ये तो 13 सेंटीमीटर ऊपर था, लेकिन लिक्विड थोड़ा ऊपर भी तो जाए, सॉरी सॉलिड थोड़ा ऊपर भी तो जाएगा। तो अगर सॉलिड 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर जाता है तब तो ये फिगर हो गया जो मैंने ड्रॉ किया, साइड साइड से रहेगा लिक्विड। पर अगर मान लो सॉलिड 1 सेंटीमीटर से कम जाएगा तो क्या होगा ना, फिर लिक्विड थोड़ा सा ऊपर भी रहेगा। तो इसलिए कौन सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ये वाला या इसके पिछले वाला, विल बी डिसाइडेड बाय कि तुमने कितना लिक्विड डाला है। इस क्वेश्चन में ये सब चीजें आ ही नहीं रहा। देखो आगे के चैलेंजेस समझो, क्वेश्चंस कठिन कैसे होते उसका रीजनिंग समझो। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, क्यों? क्योंकि 13 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ऊपर है, देखो ना 6 सेंटीमीटर के आसपास पानी के नीचे, लिक्विड के नीचे, बॉडी का साइज 20 सेंटीमीटर है, तो यानी 13 सेंटीमीटर, तो चलो 13 तो ले ही लो, यानी 13 सेंटीमीटर अभी लिक्विड के ऊपर है, तुमने सिर्फ 2 सेंटीमीटर का लिक्विड दिया, तो यानी इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने फिगर बताया। लिक्विड अगर ज्यादा दोगे जैसे जैसे इसका लिक्विड बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो कभी ना कभी देखना इसका सरफेस तक आता, फिर और ज्यादा बढ़ाओगे तो इसके ऊपर भी जाएगा। अगर ऊपर जाएगा इन दैट केस पिछले क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करो, और अगर ऊपर नहीं जा रहा जैसे ये वाला, तो उस बार इस बार तुमको खुद मैथमेटिक्स बनाना, ठीक है? अब मैंने एक्सप्लेनेशन बंद कर दिया। हाँ, अब एक एक करके सवाल तुमको कुछ पूछ रहे थे बीच में, नहीं 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 इतना देखो अभी तक जो जेई में आया है वो सिर्फ ये वाला है, यानी यही हाईएस्ट लेवल समझ लो अभी तक, और जो मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा और आगे तो लेवल बढ़ता जाता है, इतना इतना भी नहीं है, ठीक है? और पता क्या ना, बड़े बड़े क्वेश्चन आने का चांस वैसे भी कम हो गया, क्यों? क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन तो लगभग उतना ही है, और पहले तो 3-3 घंटे का एक पेपर होता था, तो देखो और ऊपर से एमसीक्यूज हो गया, सारा दो बार में होता है आजकल। पहले जमाने में इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते, तो कुछ सब्जेक्टिव होते थे, 6-6, 8-8 नंबर के सब्जेक्टिव होते थे, उसमें पार्शियल मार्किंग होता था कि तुमने अगर सिग्निफिकेंस स्टेप्स किए हैं। विशांत बैग में रखो पहले, और बैग को थोड़ा जिप भी कर दो। हाँ हाँ, नहीं तो जिप खुला कर फट से हाथ डाल के बाहर आ जाता। चलो तो और आगे एक कदम हो गया। हाँ, तू क्या पूछ रहे? ऐसे क्वेश्चन में सुनो बड़े, ये सब कठिन क्वेश्चन में अप्रोच समझो। हाँ, अगर मान लो 13 सेंटीमीटर से लिक्विड कम डाल दो, देखो 13 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ऊपर है, हाँ एक मिनट, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तुमने अगर 13 ही लिक्विड डाला है तो ऑब्जेक्ट तो इन बिटवीन ऊपर भी जाएगा ना, यानी ये वाला केस ऑफ। अगर 13 से लिक्विड ज्यादा डालोगे तब वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तब तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है या इसके पिछले वाला क्वेश्चन, ये चक्कर है। चलो ठीक है, अब एक काम करो, अब इसके बाद ये भी दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर का यूजर लिमिट डाल दिया जिसके टेस्ट की बात है, तो इसका जो नया गैप था वो कैलकुलेट कर। अब ऋषांत तुम्हें काम करो, इसका मेथोडिक्स बताओ। 6 into h into g plus
ऐसे फ्लो बंद मत करो प्लस टू इंटू ए और वो टू इंटू ए इंटू जी बाईचांस जी है ठीक ही बता रहा है बट तुमको बताना चाहिए था इंटू वन इंटू जी मैं समझ गया ठीक है हो सकता है वन को नेगेट करके तुमने बोल दिया ठीक है वो एक्चुअली डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बट देखो लिक्विड डेंसिटी आज मैंने वन दिया कल को 1.5 भी हो सकता है तो इसलिए बोल देना पड़ रहा है बट चलो कोई बात नहीं ठीक है ये हो गया बॉयंट फोर्स क्यों क्योंकि इस लिक्विड का डिस्प्लेस वॉल्यूम बस इतना ही है कितना द एरिया इंटू टू इंटू लिक्विड डेंसिटी वन इंटू जी अब इन्होंने वन नहीं बताया तो मैं समझ गया गलत नहीं बता देते थोड़ा सा ठीक और तरीके से बता सकते बट इट्स ओके इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में तो वही रहेगा राइट हैंड तो सीधे ही देता हूं 40 इनटू ए इनटू जी ए जी ए जी खत्म हो गया 40 तो 6x प्लस 2 6x प्लस 2 40 है तो 38 हो गया लेस कितना हो गया 17/3 हाँ तो 6.7 था अब हो गया 6.3 पहले 6.7 था अब हो गया 6.3 के आसपास और देखो इस बार वैसे भी ज्यादा डिफरेंस होना भी नहीं था क्यों ये लिक्विड देखो कितना कम डेंस है और इतना सा तो लिक्विड डाला है बस तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देने में नहीं होना ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक अब हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया आई होप कि ये कंसेप्ट अब आ गया हो ये बना दो मैं ओके ऐसे केसेस में ना बेटे बंद करो एक ना अपरेंट वेट का कंसेप्ट आता है क्या बात है लागू बंद करो अच्छा सुनो सपोज एक सॉलिड है सपोज एक सॉलिड है मैं उसको वजन करता हूं और इसका डेंसिटी है सपोज 3 यस सॉलिड है सपोज इसका डेंसिटी 3 नहीं सपोज इसका डेंसिटी है 5 मैं उसको वजन करता हूं एयर में इसका डेंसिटी दे रखा है 5 रो एस इज इक्वल टू 5 रो एस इज इक्वल टू 5 मैं इसको वजन करता हूं तो आ जाता है 20 केजी एक्चुअली 20 केजी मतलब होता है 20 केजी एफ क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस तो मास मेजर नहीं करता है ना वेट मेजर करता है लेकिन देखना इस टाइप का तुमको मिलेगा बोलेंगे वेट और लिखेंगे केजी तुम बोले ये कैसे लिख रहा है केजी तो मास का यूनिट होता है और वेट तो फोर्स होता है ऐसे नहीं है कई जगह ये यूज किया जाता है थोड़ा सा लूजली यूज किया जाता है एग्री ये मुझे मालूम है कि ये मास का यूनिट है लेकिन देखना स्प्रिंग बैलेंस में खास करके कई बार केजी होल का भी तुमको यूनिट मिलेगा केजी का मतलब होता है केजी एफ यानी 1 kgf बाय द वे 1 kgf इन न्यूटन कितना होता है kgf का मतलब क्या किलोग्राम फोर्स इसका मतलब 1 kg वाले बॉडी को अर्थ जितना फोर्स अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं kgf वत्सल कितना होगा 9.8 न्यूटन व्हिच इज जनरली एप्रोक्सीमेटली टेकन एज 10 न्यूटन तो ध्यान रखना इसके मतलब अगर मैं पूछूंगा इस बॉडी का वेट बताओ तो मैंने खुद लिखा है 20 पर तुम क्या बोलोगे 200 न्यूटन ठीक है ना क्योंकि वो एक्चुअली 1 kg देखो kgf को कई बार शॉर्ट में केजी लिखते हैं तो ध्यान रखना ठीक है और 1 kg कितना ना 10 न्यूटन तो 20 kg का 200 न्यूटन अब सुनो मैंने क्या किया इसको एक लिक्विड में डाल दिया ठीक है मैंने इस सॉलिड को एक लिक्विड में डाल दिया और इसको वजन इसका वजन कम हो गया कितना हो गया 14 kg हो गया मैं नहीं से बार बार वेट तुमने पहले बोल दिया 14 kg का मतलब होता है इसका वेट या फोर्स होता है 140 न्यूटन क्वेश्चन इज जिस लिक्विड में डाला है उसका डेंसिटी कितना है जिस लिक्विड में डाला है मैंने इसको उसका डेंसिटी ठीक है तो डेंसिटी पूछा ना मैंने लिक्विड का डेंसिटी पूछा
हाँ, कौन बोल रहा है नहीं आएगा, ऐसा कोई इम्पॉसिबल क्वेश्चन थोड़ी भी है ना। हाँ जी, ऐसा ना, इसका शेप मैटर नहीं करता, ठीक है ना। व्हाट मैटर्स इज वॉल्यूम, क्या है तो वॉल्यूम भी ले लेना। 4/3 पाई आर क्यूब लेना जरूरी थोड़ी है, बल्कि मैं काम करके शेप चेंज ही कर देता हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं किया बल्कि मेरे लिए ज्यादा टफ टास्क है तो उसी के जैसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो बोलोगे शेप कैसे बिगड़ गया। अरे मेरे कहने वाले कि तुम 4/3 पैर को लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम वी लेके काम करो भाई, कुछ भी हो सकता है, शेप अलग है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है क्योंकि अगले वीक का सीबीटी पोस्टपोन वैसे ही है। इसके मतलब समझो, इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि इसका वेट 200 न्यूटन है। वेट बाय द वे होता क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। मास को क्या लिखोगे, मास को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू जी, तो दे रखा है 200 न्यूटन। तो इसमें जो जो चीजें मालूम है लिखते जाओ, तो जी पता है 10, वी पता नहीं, इनटू रो एस 5 और जी इज इक्वल टू 200, इतना है, हो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आगे, लेकिन एक्चुअली क्या नहीं, वॉल्यूम को लेकर थोड़ा दिक्कत है, बता दो क्या है, ये ऐसा यूनिट है और ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए अभी ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि खिचड़ी पका हुआ यूनिट नहीं, पता क्या ना, अगर तुम दोनों तरफ ऐसा यूनिट लेना चाहते हो फिर 5 नहीं ले सकते, 5000 होता है, क्योंकि सीजीएस यूनिट में 4-5 ये सब होता है, बट ऐसा यूनिट में करो तो 5 का मतलब 5000। हाँ वही मैं करूँ, बाद में मैटर नहीं करेगा, जब मैटर ही नहीं करता तो लिखा ही तूने, जरूरत नहीं, छोड़ो। तो वी इंटू 5 इंटू जी 200 आ गया, बाद में क्या करो, वेट फोर्स भी आएगा, यानी कितना होगा, वी इंटू 5 इंटू जी माइनस V into Royal into G, भाई Royal तो पूछा और वो क्या दे रखा है 140, दोनों को डिवाइड कर दो भाई, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, VG 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 सब खत्म, और उधर 200 बटा 40 140 तो क्या होगा, 20 से डिवाइड कर दो 10 और 7, यानी अब एक काम करो, ये इक्वेशन 1 हो गया है ना, और नीचे वाला इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 हो गया, तो मैं इधर लिखता हूं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अब एक काम करो 1 को डिवाइड कर दो बाय 2, तो सब VG खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा 5/5 माइनस रो L इज इक्वल टू व्हाट, 10/7, तो इधर 70 उधर 50, तो इधर 20 आ जाएगा, ठीक है ना, इधर 70 और इधर 50, तो 20 इधर आ गया और 10 रो L, जब सब कुछ एलिमिनेट होना है, समझे नहीं, मैं ही कह रहा हूं कि कल को मान लो अगर आधा वॉल्यूम रहा, ऐसे भी तो हो सकता कल को कि वॉल्यूम ऐसे नहीं दे, ऐसे मान लो दे आधा कि आधा टू है, तो फिर वी बाई टू कर दो, यहाँ पे ये जनरल फॉर्मेट हो गया, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व हो, हमेशा सॉल्व हो, ठीक है ना। चलो आई थिंक वी हैव डन अ सफिशिएंट बिट ऑन फ्लूइड स्टैटिक्स, दैट इज ऑन क्या बोलते हैं, बोयट फोर्स। By the way, अभी इन्होंने एक मुद्दा रेस किया था जो कि मैंने बताया तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली बता दिया, एंड दैट इज ये जो बोयट फोर्स होता है ना, ये है क्या ना, एफ बी इज इक्वल टू वी डी इंटू रो एल इंटू जी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, तो सपोज एक लिक्विड है और इसके अंदर ये सॉलिड है, ऐसे करके तो ईओ के डिस्प्लेस वॉल्यूम है ना, ये तो हमें पता ही है, ईओ के डिस्प्लेस वॉल्यूम, ये देखो ठीक है, डिस्प्लेस वॉल्यूम, थोड़ा ध्यान से सुनना, डिस्प्लेस वॉल्यूम इंटू लिक्विड डेंसिटी
isn't it the mass of the displaced liquid? लैंग्वेज को पकड़ो अच्छे से, मैं ही कह रहा हूं कि ये हो गया डिस्प्लेस वॉल्यूम, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम इनटू लिक्विड डेंसिटी इज इट इट मास ऑफ द लिक्विड, है ना, मानोगे ना वत्सल? वत्सल इतना एजिटेटेड मत रहो, थोड़ा सेटल डाउन करके रहो। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू लिक्विड डेंसिटी क्या होगा, मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, जय इनटू जी करोगे इज इट इट द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। ओके ये हम लोगों ने बड़े सिस्टमेटिकली सॉल्व किया राघव, ये हमने बड़े सिस्टमेटिकली सॉल्व किया और ये करीब करीब समझ लो कि 300 या 400 साल पहले ये पूरा सिस्टम डिराइव हुआ, मतलब फॉर्मूला वर्मूला से लेके। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखो कई बार ना ह्यूमन ऑब्जर्वेशन कैन ट्रांसेंड साइंस, क्यों? क्योंकि ये जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड है ना, ये समझ लो कि 1500 साल से यश क्या हो रहा है और दैवी क्या हो रहा है। राघव थोड़ा बंद करो बेटे, अच्छा देखो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है ना, एक काम करो राघव आपसे उठो बेटे, वहां से उठो, वहां से बेटे मुझे बहस नहीं करना, पहले उठो बेटे, नो डिबेट, उठो उठो और यहाँ पे आ जाओ, ज्यादा आगे हो कम हो तो इधर आ जाओ, अब ज्यादा पसंद है कम पसंद है डिसाइड कर लो, दो ऑप्शन दे दिया, दो ऑप्शन दे दिया ज्यादा और कम, अब तुम डिसाइड करो कौन सा, नहीं उधर नहीं उधर नहीं, यहाँ या वहां कौन सा वाला बताओ, हाँ ठीक है ये ज्यादा अच्छा है। ओके आप सुन लो, विशाल का बंद करो, अब सुनो ये VD into rho L हो गया मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड into G हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब ये डिराइव हुआ था करीब करीब समझ लो 300-350 साल पहले, लेकिन ये लॉ इंटरेस्टिंगली मोर देन 1000 years ओल्ड है। दिया किसने ना, एक वो थे क्या बोलते फिलोसोफर थे राधा आर्किमिडीज, ठीक है ना। अब एक स्टोरी है, पता नहीं कितना सही है गलत है, ये सब स्टोरी ऐसे कई बार सुन लेंगे, आर्किमिडीज वॉज द फिलोसोफर ऑफ कोर्ट, ग्रीक कंट्री थे। अब पहले जमाने में ना सजा बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, सजा क्या ना मौत का सजा होता, सर पूरी सुनाना, अब बस रुक जाओ, दो मिनट का स्टोरी है, कोई ऐसा टाइम नहीं, रुक जाओ। पहले जमाने में सजा क्या होता था ना, मार दिया जाएगा, और वो भी क्या गर्दन काट के, या उस जमाने में सजा में बड़े टॉर्चर करके दिया जाता था, वो जैसे एक स्पीयर ऐसे रखते थे और फिर वो एक ऐसे करके सीट बना देंगे जिसमें एक बंदे को लिटा देंगे और बांध देंगे और फिर उसको धीरे धीरे नीचे करेंगे, तो यानी वो स्पीयर अब धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाए क्योंकि उसको तो लेकर आ रहा है, और फिर थोड़ी देर तक तो स्पीयर अंदर घुस जाता है। अब ये और ये पब्लिकली होता था, सबको बोला, सब लोग मजे लेते थे, पता नहीं कैसे सोसाइटी होता है, आई डोंट नो। और फिर वो जब अटक जाता था स्पीयर, तो आप लोग 3-4 मिलकर उसको जबरदस्ती पुश करके जब तक मरते नहीं है, तो चलो खैर सब। अब आर्किमिडीज को दिया गया एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क, एक राजा थे वहां उस जमाने का, उन्होंने बहुत बड़ा कई किलोज के एक वो बनवाया मुकुट बनवाया। लेकिन देखो हमेशा याद रखना सोनार और ये जो दूध का सप्लायर होता है इन पे देखना हमेशा शक रहता है लोगों, दूध के सप्लायर पे शक क्या रहता है, पानी मिलाया होगा, चलो ये तो स्टैंडर्ड है, और सोनार वाले में क्या ना कॉपर मिला दिया तो उससे तो कहा नकली सोना। अब राजा को समझ में नहीं कि मैं टेस्ट कैसे करूं, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि मुझे चूना लगा दिया और बहुत महंगा मतलब कई किलो का तो थ्रो नहीं करनी, मैं क्या बोलते हैं मुकुट बनवाया उन्होंने, तो उसने आर्किमिडीज को बुलाया कि भाई तुम ही हमारे यहाँ का पंडित इंसान हो, मतलब उस जमाने के ग्रीक में कोई पंडित तो नहीं कहते होंगे, कहते होंगे बट जो भी कहते होंगे, तो तुमको मैं एक टास्क देता हूं, एक हफ्ते का टाइम भी देता हूं, तुमको बताना है कि ये जो मुकुट इसने बनाया ये प्योर गोल्ड का है या मिलावटी करके मुझे चूना लगाया। तो चलो ठीक है, अब ये उस जमाने तो पता ही नहीं था कैसे करना होता है, तो ये टास्क मिला था आर्किमिडीज को, तो आर्किमिडीज करीब 5-6 दिन निकल गया, 7वें दिन ऑलमोस्ट आने वाला था, तो समझ गया कि मेरा तो खत्म ही है, लेकिन चिंता तो वही होता है पूरे दिन। तो नहाते हुए बाथ टब के अंदर वो तो गिन रहा था कि बस अब आज का आखिरी दिन है, 6ठा दिन हो गया, 7वां दिन तो मेरा भी ऐसे ही चलेगा शायद बॉडी, जो भी है सोच रहा था। अब उसने करते करते क्या ना हाथ में कुछ पत्थर ले रहे थे, और अब कई बार होता ना अननोइंगली कुछ कुछ करते हो, तो पत्थर ले रहे थे, फील कर रहे थे वजन, बाथ टब में थे वो तो, ठीक है ना, और फिर थोड़ा सा जैसे पानी में डाला तो हल्का फील हो रहा था, फिर और एक बड़ा वो लिया कुछ आइटम, फिर वो भी हल्का फील हो रहा था,
तो उसको लगा कि अच्छा अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं भारी ऑब्जेक्ट अगर मैं वजन करता हूं और उसको अगर पानी में वजन करता हूं तो फर्क हो रहा है। अच्छा पत्थर में अलग टाइप का फर्क होगा, लोहे में अलग टाइप का फर्क होगा, कॉपर में अलग टाइप का होगा, गोल्ड का अलग होगा। तो उनके दिमाग में ये आया कि अगर मान लो एक काम करता हूं जो मुकुट का मान लो 10 किलो का वजन है, तो मैं काम करता हूं 10 किलो का प्योर गोल्ड मंगवा लेता हूं, वो तो मैं सामने चेक कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाई प्योर गोल्ड तो मेल्ट करके चेक हो जाता है। अब एक ऑप्शन ये था कि मुकुट को मेल्ट कर दो, लेकिन बताओ इतना महीने लग गया उस मुकुट को बनाने में, इतना स्पेशल डिजाइन करके उसको मेल्ट करने का ऑप्शन तो राजा को पसंद नहीं आएगा। तो उसने ये आइडिया लगाया कि जब पत्थर का मान लो 10 किलो वजन है और पानी में 9 किलो है, लेकिन अगर तुम लोहा वजन करोगे तो पता चला 10 किलो है तो पता चला 8.5 किलो है, तो सबका अलग अलग होता है। यानी 10-10 किलो का तुम लोहा पत्थर कॉपर जिंक एल्यूमिनियम सब लगा दो ना, सब 10-10 किलो। अब पानी में वजन करो तो कोई 8.5 का कोई 9.5 का कोई 10 का कोई इस तरह से। तो उनके दिमाग में ये तो अच्छा आइडिया है, तो मैं एक काम करता हूँ मुकुट का वजन कर लेता हूँ, उसको पानी में डाल के देख लेता हूँ कितना वजन हो रहा है इसका, और मुकुट के बराबर का गोल्ड मंगवाता हूँ पहले, उतना तो राजा तैयार हो जाएगा। तो गोल्ड मंगवा लेता हूँ और उसको भी वजन करता हूँ, अगर दोनों का वजन फिट है सेम है तो नहीं समझ लो कि द थ्रोन इज प्योर गोल्ड, और अगर अलग हो गया तो मिलावटी है। तो ये आइडिया उनके दिमाग में स्ट्राइक करते एक्सीलरेटिंग रूप को साइंस नहीं बताता, प्योर गोल्ड तो वैसे ही पता लग जाता है डूब जो भी है। हाँ वो मतलब 22 कैरेट जो होता है वो तो उस समय भी था। पॉइंट वन ही है, पॉइंट इज दैट उन्होंने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हवा में वजन करते हो, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ थोड़ी देर में, और उसको अगर तुम पानी में, उन्होंने पानी बोला था बट मतलब पानी का नहीं होता, होता लिक्विड का, इसलिए आज उसका स्टेटमेंट थोड़ा बदलेगा। तो उन्होंने बताया था कि अगर हवा में वजन करते हो और पानी में वजन करते हो तो उसमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना होगा तो यही बताया था। अभी मैंने हिंदी में बोल दिया, अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूँ दैट उन्होंने जो बताया, बस मैं सिर्फ वाटर को रिप्लेस करके लिक्विड कर दूंगा। उनको तो लिक्विड के बारे में नहीं पता था, उन्होंने वाटर में सब कुछ टेस्ट किया था, तो उनको लगा शायद ही वाटर का कोई प्रिंसिपल है, उनको ये सब आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये साइंस उनको नहीं पता था। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज, द रिडक्शन इन वेट ऑफ अ सॉलिड। यस द रिडक्शन इन वेट ऑफ अ सॉलिड, वो कितना होगा, वोइड फोर्स होगा या नहीं? भाई देखो कोई ऑब्जेक्ट का अगर बॉडी हल्का हो रहा है थोड़ा सा, किस वजह से हो रहा है, वोइड फोर्स की वजह से। तो रिडक्शन इन वेट ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। ये तो मैं समझा रहा हूं कि अगर ये वीडी है इनटू रॉयल करो तो यानी इतने डिस्प्लेस वॉल्यूम का मास आ गया, इनटू जी करो तो डिस्प्लेस वॉल्यूम का वेट आ गया, वही वेट फोर्स है, और उतना ही बॉडी हल्का हो जाएगा। अब हल्का होने मतलब रिडक्शन इन वेट हो गया, अब इन सबको जोड़ लो तो उनका स्टेटमेंट क्या था, रिडक्शन इन वेट ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर बोला था उन्होंने, मैं उसको लिक्विड कर देता हूं, कि मैं तो देखो रो वाटर तो नहीं ले रहा हूँ, रो लिक्विड ले रहा हूँ, है या नहीं? तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो हमने करा तो दिया बट देन इसको एज ए डायरेक्ट मैंने बताया नहीं था, ठीक है ना, सब कुछ तो नहीं बट हाँ शुरू शुरू में ऐसा ना, देखो शुरू शुरू में साइंस का कुछ था नहीं तो लोग ऐसी चैलेंजेस फेस करते करते, हाँ यही उनका स्टेटमेंट है। वो लोग बात है स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, हमें तो फॉर्मूला मालूम है, यानी समझ लो कि सब कुछ हो जाएगा। ओके दैट वाज योर सरफेस टेंशन क्या है, पहले तो ये आइडिया कर ले, ठीक है। सरफेस टेंशन एक बहुत ही वीक फोर्स है, और क्योंकि वर्ड सरफेस है और लिक्विड का चैप्टर चल रहा है, ये सरफेस पे हमें दिखता है। अब क्यों दिखता है सरफेस पे, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, तो उसके डेफिनेशन पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं, इज दैट सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जैसे मैं भी एग्जांपल बताता हूं, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे, मेम्ब्रेन BRM मेम्ब्रेन ये साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ एग्जांपल, जैसे एक ड्रम ले लो, ड्रम में होता क्या, एक वो स्किन टाइप का होता है जिसको मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अब ड्रम में देखा होगा कि अगर मान लो तुम कुछ भी ले लो, अपने फिंगर से भी कर सकते हो, अगर उसको दबाओगे तो देखना वैसे तो स्ट्रेट होता है, वैसे तो टाइट होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेच्ड है वो, तो ड्रम का जो वो है स्किन है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है। अब बताओ अगर मैं उसको हल्का सा प्रेस करूंगा
तो डोंट आई फील कि वो मुझे वापस पुश बैक कर रहा है, ठीक है। ये किस लिए हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि अगर तुम ड्रम का लेदर मान लो, समझ लो या स्किन जो भी कह लो, इसके अगर नीचे थोड़ा सा दबाते हो, इन दैट केस क्या होगा, नहीं ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, तो जैसे अगर स्प्रिंग है, तुम अगर स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग भी तुमको वापस पुल करता, तो ये भी वापस पुल करेंगे। ये वापस कैसे पुल करेंगे ना, इसको वापस स्ट्रेट करना चाहता है तो इसको वापस पुल करता है इधर और वापस पुल करता है इधर, तो देखना ऊपर की तरफ फोर्स फील होता है। इसलिए एक ड्रम के जो लेदर है या स्किन है उसको अगर हल्का सा दबाओगे तो देखना तुम्हें ऊपर की तरफ फोर्स फील करोगे। इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द लेदर स्किन सरफेस जो भी है। इंटरेस्टिंगली लिक्विड के पास भी ये प्रॉपर्टी है। हमारे पास लिक्विड सॉलिड के तरह कैसे फील करेंगे और मेम्ब्रेन के तरह है या नहीं? जैसे मैं अगर ड्रम को दबाता हूं तो एक ऊपर की तरफ फोर्स फील हो रहा है, तो लिक्विड भी ये फोर्स देता है। आंसर इज यस। द ओनली थिंग इज दैट द फोर्स इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है। नहीं थप्पड़ मार के तो खैर नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो थोड़ा अलग फोर्स हो जाता है। दैट आई डोंट वांट टू काउंट एज सरफेस टेंशन। मैं उससे बेटर एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। बेटर एग्जांपल ये है कि मैंने उस दिन क्लास में दिखाया था शायद, आई डोंट नो, तो इज दैट वीडियो तो नहीं बट मैं वो दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ। तुम लोग अगर कभी गाँव में जाओगे ना और अगर पानी थोड़ा साफ है, पानी अगर साफ है और अगर गांव में कभी जाओगे तो गांव में देखना पॉन्ड्स बहुत सारे होते हैं। क्या सारे साफ सुथरे तो नहीं होते, कहीं तो देखना काला पीला वो सब होता है, वो तो चलो अलग हो गया, वहां तो कुछ सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, वहां तो ऑक्सीजन लेवल भी लो होता है। लेकिन जो पानी थोड़ा साफ सुथरा वाला पॉन्ड होता है, दो चार होते हैं देखना जनरली गांव में, उसके सरफेस पे थोड़ा पेशेंटली ध्यान से देखना, देखना इंटरेस्टिंगली पता तुमको क्या नजर आएगा, कुछ इंसेक्ट्स नजर आएंगे, बट उनकी खासियत समझो, दोज इंसेक्ट्स आर नॉट स्विमिंग ऑन वाटर, दे आर वॉकिंग एंड रनिंग ऑन वाटर। हाँ वही तो, जैसे हम लोग अगर स्विमिंग करते हैं, नहीं जी जी नहीं, स्विमिंग नहीं है। स्विमिंग में क्या होता है, हम लोग का बॉडी ज्यादातर पानी के अंदर रहता है और थोड़ा सा पार्ट ऊपर रहता है, फिर हाथ से हम लोग मैनिपुलेट करके आगे पीछे करते थे। स्विमिंग यानी स्विमिंग इज व्हाट एक्चुअली फ्लोटेशन, स्विमिंग इज एक्चुअली फ्लोटेशन। मैं फ्लोटेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये एक्चुअली पानी के ऊपर होते हैं और उस इंसेक्ट का कोई पार्ट पानी के अंदर नहीं होता। जैसे जैसे मान लो तुम अगर कोई छोटा सा कोई एनिमल ले लो, मे बी अ स्मॉल बर्ड, जैसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, चलो कॉकरोच भी ले लो, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, अगर मान लो एक मेम्ब्रेन है, अगर कॉकरोच के रखोगे या कोई छोटा सा बर्ड अगर रखोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो हल्का सा दब जाएगा और उसी से उसका वेट सपोर्ट होगा, है या नहीं, बात समझ में आया। लेकिन लेकिन क्या ये लिक्विड में भी होगा? द आंसर इज दैट शायद मेरा वेट तुम लोगों का वेट ये तो नहीं कर पाएगा लिक्विड, बिकॉज दैट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज वेरी वीक। लेकिन वो जो छोटे छोटे कीड़े मैंने बताया, दे आर हैविंग सो लेस वेट कि जो थोड़ा सा दब जाता है ना पानी, उसके वजह से उसका मेम्ब्रेन यू हो जाता है, ठीक जैसे मैंने यहां पे बताया। अब ये जो है ना, ये जब तक तुम नहीं, नहीं कॉकरोच तो बहुत ज्यादा है, चलो मैं देखता हूँ अगर इसमें आ रहा है नेट तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, या घर में जाके देख लेना अगर कहीं मौका मिला, मैं कोशिश कर लेता हूँ शायद हो जाएगा। इंसेक्ट क्या करें, नहीं नहीं छुट्टी क्यों करें, आई डोंट नो कितना दूर से दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करता हूँ कि दूर से दिख जाए। ये देखो, आई डोंट नो कितना दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है, ये देख रहे हो पानी कैसे दबा हुआ, ये जूम करके दिखा रहा हूं विशांत और जय, एक मिनट रुक जाओ। इसमें देखो क्या हो रहा है, इंसेक्ट का पैर देखो पानी के ऊपर है और पूरा इंसेक्ट इंक्लूडिंग द लेग्स वाटर के ऊपर है, वाटर के अंदर कुछ नहीं, ये पानी है, पानी के सरफेस पे ऊपर पूरा इंसेक्ट है। सी द मेन पॉइंट इज दैट द इंसेक्ट इज एंटायरली अबव वाटर। फ्लोटेशन में क्या होता है, हाँ एक मिनट शायद तक फ्लोटे विशांत विशांत बेटे, देखो फ्लोटेशन में क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ द सॉलिड अंदर रहता है जिसके वजह से बोयन फोर्स क्रिएट होता है, वो वेट को संभालता है। यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं है, जरा ध्यान से देखो इस पिक्चर को, देख रहे हो ये जो लेक है ये कैसे पानी को दबा के रखा है, और पानी देखो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वहां पे पानी हल्का सा दब गया है, ठीक जैसे मेम्ब्रेन में दब जाता है। तभी मैंने बोला ना ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है,
विच ट्राइज टू बिहेव लाइक दैट ऑफ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे खिंचाव करके एक मेम्ब्रेन को रखोगे, जैसे ड्रम का एग्जाम्पल बताया मैंने, वैसे पानी का सरफेस भी बिहेव करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस फोर्स इज सो वीक कि अगर मैं अपना पैर रखूंगा तो इन दैट केस में मेरा पैर अंदर घुस जाएगा, पानी के पास उतना ताकत है। बट कई जगह पे सरफेस टेंशन इंटरेस्टिंगली बहुत ज्यादा हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। इनफैक्ट कभी मैं समझाऊंगा इज दैट कुछ नहीं है, ये इनसे पानी के ऊपर दौड़ेंगे जैसे लग रहा है फ्लोर के ऊपर दौड़ रहे हैं, बस जहां जहां दौड़ेंगे ना वहां वहां पानी हल्का सा दबेगा और ऊपर उठेगा, बस इतना ही होगा, कोई पानी के नीचे नहीं जाता, यही तो बात है खासियत। कुछ आग्रह यश, हाँ ग्लाइड अलग चीज होता है, ग्लाइड तो पता क्या, जैसे मान लो पत्थर लो और फेंक दो तो देखना ऐसे 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 ऐसे, वो अलग चीज होती है, उसमें सरफेस टेंशन नहीं काम करना, उसमें नॉर्मलेशन काम करना, वो जो आगे हिट किया ना उससे नॉर्मलेशन जो तुम थप्पड़ मारना हो, तो देखो पत्थर को अगर एक हॉरिजॉन्टल गिट्टी टाइप के पत्थर ले लो और ऐसे फेंक दो तो देखना वो पानी को यू 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 बाउंस करके दो चार बार बाउंस करके उसके बाद गिर जाता है, तो दैट इज नॉर्मल एक्शन, दैट इज नथिंग टू विद सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन के वजह से अभी मैं एक स्टेटमेंट बता देता हूं, कभी और उसके ऊपर डिटेल डिस्कस करूंगा, इज दैट कि दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर हाइट 2-3 मीटर से ऊपर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से जिंदा है। सरफेस टेंशन गायब हो गया अगले दिन तो नहीं, बट 2-4 दिन 15 दिन में दुनिया के सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, उसके पीछे रीजन है क्योंकि सरफेस टेंशन से ही वो सब सर्वाइव करते हैं। वो कैसे है वो बताऊंगा अभी अभी। हाँ नहीं नहीं वो तो अलग चीज है, अभी अभी बस 2 मिनट रुक जाओ। अब देखो सरफेस टेंशन का मेजरमेंट भी तो होना चाहिए ना कुछ। सरफेस टेंशन में मैं एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ, अब सुन लो, ये घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे वो नारियल पानी के साथ जो स्ट्रॉ नहीं देते हैं वो बहुत हल्का वाला होता है, उससे करोगे तो बड़े अच्छे से एक्सपेरिमेंट होगा। अब एक काम कर, हाँ वो प्लास्टिक वाला और वो बहुत पतले वाला, क्योंकि प्लास्टिक वाला कई बार कोल्ड ड्रिंक वाला भी देता है, पर कोल्ड ड्रिंक वाला देखना थोड़ा मोटा देता है उससे काम, या जो जूस आता है ना वो मैंगो जूस वगैरह उसके साथ नहीं देखना, एक छोटा सा स्ट्रॉ है तो उसमें नहीं काम करो, बहुत हैवी है। पेपर से तो और ज्यादा हैवी है, वो तो अलग है, वो तो खैर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब सुनो एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो, बता देता हूँ। एक ना ये जो इलेक्ट्रिक तार नहीं होता है थोड़े से इससे मोटे वाले, इससे थोड़ा मोटे वाले, हाँ जो वो वाला जो एसी के साथ लगा हुआ है, इसके अंदर से कॉपर निकाल लो, ऊपर का वो इंसुलेशन हटा दो, कॉपर निकाल दो और उस कॉपर से एक फ्रेम बना लो इस तरीके से, बहुत बड़ा वन बनाना, मे बी 2-3 सेंटीमीटर है ना, 2-3-4 सेंटीमीटर और लंबाई में तो जैसे बना दो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और एक काम करो, उसमें बैलेंस करके वो स्ट्रॉ रख लो नारियल पीने वाला, ठीक है, और यहां से थोड़ा सा पकड़ लो हल्का सा, ज्यादा टाइट मत पकड़ना, स्ट्रॉ बेंड हो जाएगा, हल्का सा पकड़ लो और किसी टब में एक सोप सॉल्यूशन बना लो गाढ़ा थोड़ा सा, मतलब जैसे सर्फ अगर होता है ना तो अच्छे से वो करके, लेकिन उसमें बबल्स मत फॉर्म करने दो, तो थोड़ा फेंटते रहो फिर बबल्स भी दबाते रहो, तो देखना बाद में सोप सॉल्यूशन बन जाएगा, थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा। अब इसको हल्का सा पकड़ के उसके अंदर रखो और बहुत फास्ट नहीं जेंटली उठा लो, हाँ तो देखना पता क्या होगा, यहाँ पे देखने की फिल्म टाइप का बन जाएगा, वो भी होता है, वो इसके एडवांस वर्जन है। अब सुनो, अब पता क्या होता, मैंने क्या बोला, सरफेस ऑफ लिक्विड बेस लाइक अ स्ट्रेस मेम्ब्रेन, लेकिन इसका डेफिनेशन नहीं, अब डेफिनेशन लिखता हूं मैं, सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ऑब्वियसली सरफेस का प्रॉपर्टी तभी उसका नाम है सरफेस टेंशन, टेंशन नाम इसलिए क्योंकि पुलिंग होता है, क्या होता है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच अ लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। इसके पीछे वजह क्या है अभी इसको डिस्कस नहीं करता हूं मैं, ये मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्कस करूंगा, तो विच अ लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। अब बताओ, यानी एक लिक्विड को जैसे मर्जी रख लो हमेशा वो लिक्विड कोशिश करेगा अपना सरफेस एरिया कम हो जाए, ठीक है, सरफेस टेंशन यही प्रॉपर्टी है। अब ऐसे क्यों बोलोगे तो फिर मुझे और डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे अगर याद होगा जब हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था इज दैट कि लिक्विड्स आर द ओनली थिंग विच हैज अ शेप और वो है स्फेरिकल,
बाकी किसी का कोई शेप नहीं होता, गैस तो वैसे भी नहीं होता, सॉलिड का क्या शेप होता है? अगर मैं बोलूंगा लोहे का शेप बताओ तो कैसे बताओगे? रॉड का शेप सिलेंडर का, और अगर तुम थाली वाली टाइप का देखो तो क्या होता है, प्लेट हो गया, डिस्क हो गया। इसलिए लोहे का कोई शेप नहीं होता, यानी सॉलिड का कोई शेप नहीं होता। वो बचपन में जो पढ़ाया गया था वो छोड़ दो, वो सब मैंने पहले बोला ना वो उस लेवल के लिए ठीक था, वो एक्चुअली गलत था। तो लिक्विड इज द ओनली वन विच हैज अ शेप एक्चुअल, और वो स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि हर लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, सॉलिड में भी कर रहा है पर सॉलिड में मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए सॉलिड में क्या होता है, जहां पे है वैसे बांधा हुआ रहता है, लेकिन लिक्विड में मूव कर सकता है। तो हर कोई अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो दे ट्राई टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल। तो क्लोजेस्ट कब होगा? जब स्फेरिकल होगा। तो क्लोजेस्ट कब होगा? जब स्फेरिकल होगा, और उसी का सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होगा। शायद अगर तुम उसको कहीं स्ट्रेच करोगे ना, वो वापस अपने मॉलिक्यूल्स को बुलाने की कोशिश करेगा। इसलिए जय तुमने पूछा, तुम तो इधर उधर बातें कर। अब पता क्या होगा, अगर तुम लिक्विड को थोड़ा फैला भी दोगे ना, तो लिक्विड फिर से वो अपने मॉलिक्यूल्स को अपने पास बुलाने लगेंगे। इट विल ट्राई टू अगेन व्हाट, रिड्यूस द सरफेस एरिया। तो ये लिक्विड का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, विच ट्राइज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। अब बताओ ये एक फिल्म है, ये क्या करेगा, चारों तरफ से सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे। अब बताओ ये तो फ्रेम है, इस पर तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो स्ट्रॉ है ना, देखना ये स्ट्रॉ चलने लगेगा अंदर की तरफ। ये सर में करके देखोगे तभी विश्वास करोगे, वैसे मुझे विश्वास करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये करके देख लेना अगर कभी मौका मिले। कुछ नहीं, बस वायर का फ्रेम ले लो, कॉपर का वो निकाल लो। हाँ, तो सरफेस एरिया कम कैसे करेगा लिक्विड? चारों तरफ से कम करने की कोशिश करेगा, तो यहां से भी कम करने की कोशिश करेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। ये तो फ्रेम है, ये तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन ये स्ट्रॉ तो मूवेबल है, हल्का है बहुत। तो देखना स्ट्रॉ खींच जाएगा उस तरफ, उससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ये लिक्विड का प्रॉपर्टी, ठीक है। और सरफेस टेंशन के अमाउंट भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो बस उसका डेफिनेशन बता देता हूँ, आज वही छोड़ देता हूँ। एंड दैट इज सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। बस ये होता है इसका, यानी इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। हाँ बेटा, ठीक है चलो कोई नहीं, तुम तो जाओ। चलो आज के लिए ऐसा है ना, जल्दी शुरू करो, नहीं तो फिर तुम लोग को जाना भी है मुझे।